नमस्कार दोस्तों, आ गया एक और संरक्षक इवेंट। ठीक है, मैं इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं सुबह नींद से जागता हूँ और आगे ये सब देखता हूँ तो कुछ कुछ इवेंट होता है कि बहुत ही लकी होता है, जो कि मतलब कभी कभी मेरे बाकी के जो अकाउंट से वहाँ पे मैं स्विन विन करता हूँ तो चीज़ें निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे मतलब अलग ही लेवल का इवेंट आया है आज, रोल द डाइस। ठीक है, ये इवेंट बहुत गुस्सा देता है मेरे को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसा बताया जा रहा है ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बिजनेस है, दिस इज बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इसमें कैसे बिजनेस किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको ट्राई नाउ करेंगे। इसका डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल रिलोड स्पीड और एक्यूरेसी एक माइनस किया गया है, ये जो डबल बैरल शॉटगन, और ये हमेशा ही ऐसे ऐसे घटिया इवेंट पे आएगा। ठीक है, मिनिमम 300 से लेके 1000 डायमंड अगर आप खर्च करोगे तो आपको ये गन मिलेंगे। कैलकुलेशन में थोड़ा बाद में बताता हूँ, पूरा मैथ में बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, साथ में जो बेल बटन है उसको दबा के रखो, सवाल जवाब हो तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ। हम लोग वैसे एक ही स्पिन करेंगे। ठीक है, 1 रोल 20 डायमंड, 5 रोल 90 डायमंड। ठीक है, डायमंड वैसे आपको दिखा रहा होगा कि बहुत सस्ता है, लेकिन स्पिन आपको ज़्यादा लगेंगे तो इसलिए ये बहुत रिस्की है। मैं आपको बता दूंगा कि ये क्यों 200 डायमंड से पहले नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छे किस्मत है तभी आपका ये निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक स्पिन करने वाले हैं, और यह देखिए 20 स्पिन, डोंट रिमाइंड मी अगेन। क्या फायदा, एक ही तो स्पिन करेंगे। देखो 5 आ गया, चलो 5 आ गया, और यहाँ पर आर्बन रेंजर का कंक्रीट आया है, काफ़ी अच्छा है, आई मीन काफ़ी घटिया है। वैसे 20 डायमंड पे 25 डायमंड का एक क्रेट मिला, ये थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल है, लेकिन क्या फ़ायदा, मैं तो ये खरीदना ही नहीं चाहता था। लेकिन खैर, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपको एक क्रेट है आपके पास, तो अगर आपके पास एक क्रेट है तो आप सरपोट ले सकते हो, अगर एक क्रेट है तो आप सीधा ये फीमेल वाला पैंट ले सकते हो, अगर आपके पास 2 क्रेट है तो मेल वाला पैंट ले सकते हो, फिर से एक क्रेट है तो गैंग डेपुटी टॉप फीमेल वाला ले सकते हो और गैंग लेगमेंट टॉप 2 क्रेट में ले सकते हो, अगर आपके पास पास 5 क्रेट है तो भी आप गन क्रेट ले सकते हो। तो यही है यहाँ पे किस्सा, मतलब चीज़ें आप ऐसे जीत सकते हो, लेकिन आपको असली चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ अब। ठीक है, जीतने का राज, विन का राज क्या है, डायमंड खर्च करना वो तो है ही, ठीक है, लेकिन कैसे जीतोगे, कितना खर्च करके जीतोगे, सब 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 मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये जो बंडल्स है ये बहुत ही बेकार है। ठीक है, और हम लोग सीधा क्रेट पे फोकस करते हैं। मान लो कि आप स्टार्टअप में जैसे कि ब्लैक वाला एफ में रहते हो, ठीक है, और अगर आपके पास 6 आया तो आप क्रेट में लैंड करोगे, तो उसके बाद देखिए अच्छे से कि फिर से ब्लैक क्रेट से स्टार्ट होगा, तो ब्लैक क्रेट में 1 अगर हुआ तो ग्रीन में 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 अगर आया दोबारा क्रेट से, क्रेट में अगर खड़े हो तो अगर 6 आया तो ब्लू में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सीधा दोबारा आप 6 डाल के क्रेट में नहीं पहुंच पाओगे, यही किस्सा है, यही ट्रिक है। ठीक है, यही ट्रिक है। ठीक है, मतलब आपको मतलब 2 स्पिन में आपको 6 आ सकता है, मतलब आपको आज 7 आनी चाहिए। ठीक है, हर बार 7 आनी चाहिए, यही यही सिस्टम है। एक क्रेट से दूसरा क्रेट 7 आनी चाहिए, तो लगभग आपको 180 डायमंड लगेंगे। ठीक है, मिनिमम, और लगभग 200 डायमंड तो आप समझ ही लो। ठीक है, मिनिमम 200 डायमंड, और अगर किस्मत ख़राब हुआ तो लगभग 2000 के आसपास भी डायमंड लग सकते हैं। ठीक है, तो पैसा का खेल चल रहा है। ठीक है, आप स्पिन ना करें तो ही अच्छा है। और यहाँ पे कुछ इवेंट्स आप लोगों ने देखा जो कि मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया, वो अब बाद में बना देंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 650 का आया है या ड्रॉप, क्या ही बोले, अलग ही लेवल है। तो वॉल्ट में चलते हैं, एक क्रेट मिला है हमें तो उसको थोड़ा ओपन कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और यह देखिए आर्बन रेंजर का लूट क्रेट, मेरे पास इसका स्पास परमानेंट है। वैसे ये क्रेट अच्छा जरूर है, लेकिन क्या बोले अब, परमानेंट तो खैर मिलेगा नहीं एक क्रेट से। ठीक है, अगर परमानेंट भी मिल जाता तो ठीक है, 20 डायमंड उसूल हो जाता। तो खैर, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जेन्युइनली आप लोगों को शायद लगा नहीं होगा कि मैंने डायमंड स्पिन नहीं किया है, लेकिन यही सही चीज़ है, मैं आपको सही चीज़ें ही बताऊंगा। बाकी लोग तो खैर हाँ डालो डालो और डायमंड डालो। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे आओ, कुछ भी कमेंट सेमेंट करना है, और इसको शेयर जरूर करो ताकि ज़्यादा लोग डायमंड खर्च ना करें इस इवेंट पर। ठीक है, मैं जानता हूँ कि अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या करें, मिलते हैं किसी और वीडियो में।